तो हम आ चुके हैं टीकरी बॉर्डर पर, और टीकरी बॉर्डर की मंडी इस तरीके से है, कुछ अभी दिखाएगा, अभी मतलब हम निकले नहीं है गाड़ी के अंदर से, अभी बिल्कुल प्रॉपर पहुंचा हूं। तो अभी हम लोग पहुंचते हैं जिस काम से आए थे, मशीन देने के लिए भी, और आज आपको माल के वगैरह की मंडी भी दिखाता हूँ, लोगों के नंबर वगैरह भी अवेलेबल कराता हूँ, कौन कौन से हैं लोग माल खरीदते हैं, ताकि आप इनको आसानी से अपना माल बेच सकें। तो अब मैं आगे चलते हैं। ये इस तरह से आप लोग देख रहे हैं पूरी मार्केट चल रही है, और सब पीवीसी की ही मार्केट है ये पूरी की पूरी जितनी भी है। इधर लगा हुआ है इस तरीके से, ये पाइप वगैरह है यहाँ पर, ये ब्लैक वाला माल मिल जो जितना भी होता है काले वाला, ये उसके लिए है। और ये देखिए किस तरीके से गाड़ियां लोड हो रही हैं यहाँ पर, और ये गाड़ियों का जो पुराना पीवीसी लेते हैं ये वो लोग हैं, ये देखिए। और बहुत मतलब अच्छे से खूब बड़ी मंडी होती है ये अपने इंडिया में, बहुत बड़ी मंडी। ये नंगली धर्मघाट, जय श्री दुर्गा है। तो ये पीवीसी है सब, ये देखिए, और ये मंडी आ चुके हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर माल, मतलब मैंने यहाँ बात भी करी है कुछ लोगों से, और जो मैंने इनके रेट वगैरह लिए हैं वो मुझे बड़े ही अजीब से लगे, मतलब वही कबाड़ियों वाला ही था, है ना। तो मैं आपको माल दिखाता हूँ, ये देखिए माल, ये माल है कुछ, और ये कॉपर एल्यूमिनियम दोनों मिक्स है इसके अंदर, कुछ ये माल है इस तरीके का, और ये लगा हुआ है, और थोड़ा सा मैं ये दिखाता हूँ, ये देखिए, एल्युमिनियम का भी है कुछ, कॉपर भी है हल्का फुल्का सा, और एल्युमिनियम ज़्यादा है, डिश वगैरह का माल भी है, मतलब वो 5 रुपये किलो 10 रुपये किलो का माल, वाईफाई का, लगभग सब मिक्स भरा हुआ है इसके अंदर, मतलब एक फिक्स नहीं है कि एल्युमिनियम है या कॉपर है, इसी तरह का यहाँ सब जगह पर माल मिल जाता है, वायरिंग अगर हम लेना चाहें। अब ये माल आपने देख ही लिया है, और मैं आपको अभी दूसरी जगह लेके चलूँगा पीवीसी के रेट के लिए, पीवीसी वहाँ पर पड़ी होती है, और पीवीसी किसको देनी है, और मैंने यहाँ रेट पता करे हैं, रेट कोई खास नहीं है, मतलब रेट का आप ये मान के चल सकते हो, जो मेरी नज़र का 20-25 रुपये किलो का माल है वो 40-45 रुपये किलो मांग रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी सीलमपुर वाला ही हाल है। तो ये वाला जो पीवीसी मिक्स में है इनके यहाँ, ये इसको 35 रुपये किलो तक में परचेज करते हैं, और इसमें ये काला वाला है इसका अलग रेट है, और दूसरा जो पिक्कस का होता है नीला वाला जो एल्युमिनियम में निकलता है वो अलग है, फिल्टर के पाइप वाला काला पीवीसी वो अलग है, मतलब लगभग जो रेट है यहाँ जो मिनिमम रेट है पीवीसी का 10 रुपये किलो से शुरू हो जाता है, और 40-45 रुपये किलो लास्ट रेट है यहाँ पर पीवीसी का, जो सब तरह की अलग अलग है। तो अभी मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई, वायर वगैरह, और रही माल की बात, यहाँ पर माल कम मिल पाता है, वायरिंग का बहुत कम है, और है भी तो रेट बहुत अजीब और गरीब है इन लोगों के, मतलब रेट का कोई इन्हें पता ही नहीं है, एल्युमिनियम का कुछ भी मांग लेते हैं, कॉपर में कुछ भी मांग लेते हैं, तो माल का तो मेरे लिए हिसाब से यहाँ पर माल ज़्यादा अच्छे से नहीं मिल पाता है, यहाँ सिर्फ दड़े का माल मिल गया, या अपनी मर्जी से, मतलब आपको कूड़ा उठाना है, कुल मिला के जो निकल गया वो आपका, जो निकल जाएगा वो आपका होगा, और कुछ नहीं है। तो ये टीकरी बॉर्डर का मैंने आपको दिखा दिया इस बार, फिर कभी देखेंगे मौका लगेगा तो कोई वायरिंग वगैरह के लिए, बाकी पीवीसी के लिए मैं कमलेश भाई का नंबर आपको डालूंगा स्क्रीन पर, किसी के पास भी ज़्यादा माल है तो आप संपर्क कर सकते हैं इनसे, ऑल इंडिया कोई भी, मतलब मटेरियल क्वांटिटी का होना चाहिए पर इनके लिए। बहुत तेज़ बारिश हो गई है अब यहाँ पर, तो हम निकल रहे हैं, बाकी मैंने देखो बहुत काफ़ी कुछ मंडी का मैंने रिकॉर्ड किया है, जानकारी भी ली है मैंने आपके लिए यहाँ से माल की, तो मंडी तो है पीवीसी की, बहुत माल है यहाँ पर और लेते भी हैं लोग, पर यहाँ गाड़ियाँ आती हैं और रातों रात कोई ना कोई माल ले लेता है पूरा का पूरा, यहाँ पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कोई भी कि किस तरीके से यहाँ कोई माल ले, सबका अपना फिक्स है, बाकी जो लोकल के एनसीआर के दिल्ली गाज़ियाबाद वो यहाँ पर आकर स्क्रैप ले जा सकते हैं,
यहाँ स्क्रैप उनको ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा, मतलब दड़ा काफी मिलता है यहाँ पर, दड़े का माल ज्यादा है। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो चलते हैं। तो हम टेकरी बॉर्डर में, हमने आपको सब कुछ दिखाई दिया अभी हम, और अब हम यहाँ से चल रहे हैं। और अब हम ये किसी कस्टमर के लिए पंजाब मशीन जानी थी, तो ये मशीन अब हमने दी है। ये पंजाब से कोई ट्रक आया हुआ था और इसी के अंदर ये पीवीसी वगैरह जो आती है उसी में वो ये मशीन रख करके वापस पंजाब जाएगी।